कैसे आप लोग? आज हम कंटिन्यू करेंगे वही चीज जो हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे फिनिश करी थी। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में आपके दो क्वेश्चन लेफ्ट हैं, उसको हम देखेंगे, फिर आगे चलेंगे मूवमेंट के क्वेश्चंस पे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। अ ड्रग ऑफ मास 5 × 10⁻³ kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 किलोमीटर इन 10 सेकेंड्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ठीक, तो पहले आपको गिवन है मास कितना, 5 × 10³ kg ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट में है। ठीक, और क्या है डिस्टेंस, यानी बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.5 किलोमीटर। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट आपकी मीटर होती है, नॉट अ किलोमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 0.5 × 1000। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 500 मीटर। उसके बाद टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड्स। और क्या बोल रहा है, इस रेस्ट से स्टार्ट होके इतने डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में। ठीक, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कैलकुलेट आपको पहली चीज क्या करनी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। आपके दिमाग में आ रही होगी कौन सी, अगर आ गई है तो सॉल्व करना शुरू करिए, जिनके नहीं आई है वो इधर देखें। तो यहां पे आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट के बारे में नहीं मालूम, हमें बी नहीं मालूम है, बी नहीं मालूम है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन हो, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी भी हो, टाइम भी हो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी ना हो, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, इनिशियल क्या है, जीरो है, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 = ½। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 500/100, और ये 2 जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 m/s². ठीक, नेक्स्ट चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स। मास आपको पता है, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, फोर्स आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। फोर्स के लिए क्या करेंगे, m × a। मास क्या है और एक्सेलरेशन आपकी हो गई 10, तो 5 × 10⁴ N। ठीक, दैट इज योर सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, फोर्स दिया हुआ है कितना 10 kg का, अब मास दिया हुआ है 100 g का, और इनिशियली एट रेस्ट बोला हुआ है यानी u = 0, और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड्स। पहला आपसे पूछा मोमेंटम, फर्स्ट काम इसमें क्या होगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, कौन से फॉर्मूले से, f = ma। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 10 kgf बराबर हम क्या मान रहे हैं, 1 kgf बराबर 10 N। ठीक, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, या फिर यहां से भी देख सकते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन यहां पे आपको अप्रोक्स 10 दी हुई है, तो आप भी इसको 10 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 N। फिर उसके बाद आएंगे f = ma में, फोर्स कितना 100 N का, मास कितना 100 g, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, और एक्सेलरेशन आपको निकाल लेंगे। ठीक, तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी हो जाएगी 1000 m/s². ठीक, अब आपको क्या लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, पहली वाली,
फर्स्ट वन इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी तो क्या होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब क्या बोला है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब जीरो, v निकालनी है और a और t आपको मालूम है, तो v निकालने के लिए क्या a की वैल्यू रख देंगे कितनी, जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, इनटू टाइम कितना 0.1 सेकेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपकी आ गई, अब आपको मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम कितना m इंटू वी, तो m इंटू वी में फिर वही 100/1000, वेलोसिटी कितनी 100, जीरोस कैंसिल आउट, क्या बचा 10। ठीक, अब वैल्यू यूनिट लिखने के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये आपका हो गया मोमेंटम। नेक्स्ट चीज क्या पूछी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछी गई है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ठीक ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है, तो क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना निकाला था हमने 1000 इंटू टाइम कितना है 0.1 सेकेंड्स यानी 1/10 स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1000 इंटू 1/10 इंटू 1/10, 1020 कैंसिल आउट, क्या आया 5 meters। ठीक, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब चलते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज में, जो है आपकी मोमेंटम टॉपिक से रिलेटेड। देखते हैं उस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, यहां पे हमारा नया टॉपिक शुरू हो चुका है मूवमेंट। अब मूवमेंट को पहले देख लेते हैं होता क्या है, मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मूवमेंट होता है कि जो ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे फिक्स हो, या अपवर्ड फोर्स लग रहा हो या डाउनवर्ड फोर्स लग रहा हो। तो जब अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा तो मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक, इसे हम नेगेटिव लेंगे। और जब डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा तो मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, जिसे हम सॉरी एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं पाइवोटेड पॉइंट, जिसके अलाउंग हमारा मूवमेंट होगा, ठीक, जिसके अलाउंग हमारा मूवमेंट होगा। अब फोर्स लग रही है तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट से तो फिक्स है तो ये क्या करेगा, इसी एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ कवर करना स्टार्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट, ठीक। इसीलिए इसको टर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजिशन से टर्न तो हो सकता है लेकिन पूरा एक तरफ, जिसे फोर्स लगने की वजह से ये पूरा एक साथ मूव करना चाहिए वो नहीं होगा, ये क्या होगा, इस पॉइंट के अलाउंग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक, जिससे हम इसे बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, A body is pivoted at a point A. The force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from that point. Calculate moment. क्या बोला? ये आपका pivoted point है, ठीक? इस pivoted point से ये distance कितनी है? 30 centimeter. और force कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है आपका 10
10 न्यूटन। ठीक, अब क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ कवर करना स्टार्ट करेगा इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो अब हमें कैलकुलेट करना है मूवमेंट, तो मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या है F इनटू R। फोर्स कितना है 10 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड तो क्या हो गया 3 न्यूटन मीटर, ये आपकी मूवमेंट की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम एग्जांपल देखेंगे उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जांपल 2, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स दे दिया। ठीक, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज 5 न्यूटन, मूवमेंट ऑफ फोर्स दे दिया अबाउट अ पॉइंट पी इज 2 न्यूटन मीटर। ठीक, फोर्स दे दिया है 5 न्यूटन, मूवमेंट दे दिया है 2 न्यूटन मीटर। अब आपसे पूछा क्या है कि पाइवोट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। फॉर्मूला वही सेम लगेगा, पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे दी थी, इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। तो इसका क्या हो गया आपका, मूवमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपको निकालना है। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 2 और इसकी गिवन है 5 इनटू आर, तो ये क्या हो जाएगी आर इक्वल्स टू 2/5। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितनी आएगी 0.4 मीटर। ठीक, 0.4 मीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अंतर कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, तो जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, क्या दिया हुआ है। अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग द लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग द हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली 50 न्यूटन। ठीक, तो पहला क्या है कि एक मैकेनिक ने नट को ओपन किया, कितना फोर्स लगा के 150 न्यूटन, और लीवर की लेंथ कितनी थी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मूवमेंट होगा, और ये चीज आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर है उसको टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए मूवमेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट आपका दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक डिस्टेंस। अगर आप एक चीज को घटाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे आपका मूवमेंट कॉन्स्टेंट बनेगा। ठीक है, तो मूवमेंट कॉन्स्टेंट बनेगा, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले वाले केस से मूवमेंट निकाल के सेकेंड वाले में हमको इक्वेट कर देना है, एल की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, बस इसी चीज याद रखनी है कि अगर कोई एक चीज घट रही है, इसमें फोर्स घट रहा है, तो डिस्टेंस अपने आप बढ़ेगी। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि अगर आपको लेस फोर्स लगा के खोल किसी नट को ओपन करना है तो आपको डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए स्क्रू जैक की जो लेंथ होती है लीवर की, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसमें हम कम फोर्स लगा के हैवी वेट व्हीकल मूव करा देते हैं अपसाइड और उसके बाद डाउन साइड। क्यों? उसमें क्या होता है, लीवर की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। वही चीज यहां पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट केस से हम पहले क्या निकालेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। ठीक, फोर्स दिया हुआ है आपका 150, डिस्टेंस दी है आपकी 40। ठीक है, मूवमेंट आ चुका है। अब क्या करना है, इसी मूवमेंट को इक्वेट करना है हमारे सेकंड वाले केस से। ठीक,
तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा एफ इंटू आर। इस केस में आपको आर निकालना है, मोमेंट कितना है 60, एफ कितना हुआ है 50 इंटू आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू 60/50। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आएगा 1.2 meter, 1.2 meter। ठीक है, जो ये हमारी हो गई लेंथ किसकी, लीवर की। आप खुद ही देख लीजिए, फोर्स कम हुआ तो लीवर की लेंथ कितनी हो गई 1.2, पहले कितनी थी 40 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कितनी तेज वेरिएशन स्टार्ट है। बस आपको मूवमेंट के क्वेश्चंस में यही ध्यान में रखना होगा कि अगर फोर्स घट रहा है तो लीवर की लेंथ बढ़ेगी। आपको मूवमेंट निकाल के दूसरे केस से कंपेयर करके लेंथ निकालेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयरन डोर है आपके पास किसी बिल्डिंग में लगा हुआ है, जो कितना उसकी ब्रेथ है आपकी 3 meter। ठीक, इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 newtons। फोर्स आपका 100 newton है नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर। ठीक, आपको यहां से बता दिया है कि फोर्स कहां लग रहा है, ब्रेथ के मिडिल पे लग रहा है, वहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कैलकुलेट द लीस्ट, और सेकंड पार्ट आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स विच कैन बी ओपन द डोर वेयर शुड बी द फोर्स बी अप्लाइड। यानी आपको कम से कम फोर्स लगा के उस दरवाजे को खोलना है, और कहां वो फोर्स लगेगा वो लेंथ भी आपको बतानी है। तो पहला आपका हो गया ब्रेथ दी हुई है, तो पहला फर्स्ट केस अब हमारा मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डोर मान लीजिए ये लगा हुआ है, ठीक, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, मिडिल पॉइंट मतलब ये, तो हम क्या करें, ब्रेथ को 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा 1.5 meter। अब मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, न्यूटन मीटर। फर्स्ट केस आपका हो गया। सेकंड केस, एक चीज आपको पता होगी, मोमेंट जब पढ़ा रहे थे बताया था कि जो मैक्सिमम एंडिंग पॉइंट होता है, ये तो पाइवोट पॉइंट हो गया। ठीक, ये फिक्स्ड आर्क हो गई जिसके अलोंग आपका दरवाजा या डोर मूव करता है। तो इस पॉइंट से जो यहां पे डोर का मैक्सिमम पॉइंट होगा यानी एंडिंग पॉइंट, यहां से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो लीस्ट फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये कितनी है आपकी 3 meter। तो आपको डिस्टेंस तो पता चल गई कितना, अगर हम यहां 3 meter से फोर्स लगाएंगे तो लीस्ट फोर्स लगेगा। ठीक, लीस्ट फोर्स लगेगा, लेकिन मोमेंट क्या है, मोमेंट कॉन्स्टेंट होता है, मोमेंट आपको पता चल गया इतना है। अब फोर्स निकालना है, फॉर्मूला फिर वही, मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट कितना 150, फोर्स आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितनी 3 meter। ठीक, तो फोर्स यहां से आ जाएगी आपकी कितनी 150/3 यानी 50 newtons। ठीक, पता चल गया। तो मेन दिक्कत कहां आती है, ये वाले डिस्टेंस निकालने में। आपको लगता है कि फॉर्मूले में 2 unknown है, कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको हिंट दे दिया है कि आपका फोर्स मिनिमम लगना चाहिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है,
अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ व्हील इज शोन, ये आपका व्हील दिया हुआ है, इन हैज अ फिक्स्ड एक्सेल, ठीक, ये क्या है, यहां से फिक्स है इस पॉइंट के अलोंग, पॉइंट ओ के अलोंग। फिर क्या बोल रहा है, द व्हील केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, दो फोर्स इसमें लग रहे हैं जिसकी वजह से ये व्हील क्या है, स्टेशनरी है, एक F1 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक F2 है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ F2, F2 क्या होगा, F2 की डायरेक्शन आपको बतानी है, F2 क्या है, डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, ठीक, डाउनवर्ड्स, या फिर बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डाउनवर्ड्स, ये आपका क्लॉकवाइज लगेगा F1, और ये क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। विच फोर्स इज ग्रेटर, तो पहली बात, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं तो डिस्टेंस छोटी कौन सी होगी, ये बी ओ डैश वाली, ना कि ए ओ डैश वाली, ठीक। तो पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अगर वैल्यू घटती है किसी एक चीज की, दूसरे की बढ़ेगी, यानी फोर्स की वैल्यू अगर घट रही है तो डिस्टेंस की बढ़ेगी। यहां पे क्या हो रहा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, ठीक, क्योंकि मूवमेंट आपका कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहां पे क्या है, डिस्टेंस आपकी कम है तो F2 अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, F1 से, क्योंकि आपको मूवमेंट कॉन्स्टेंट रखना है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या आएगा, F2 is greater than F1, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, F1 is to F2 का रेशियो निकालना है आपको, F1 upon F2, AO डिस्टेंस दे दी है, BO dash डिस्टेंस दे दी है, OO dash डिस्टेंस दे दी। अब मूवमेंट आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक, तो M1 मान लेते हैं F1 into F1, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AO, उसके बाद M2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, F2 into BO, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये OO डैश, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे आपको मूवमेंट कांस्टेंट रहता है तो यहां पे आपको 1:1 मिल जाएगा, F1 upon F2 into AO upon OO dash, ठीक। अब चाहे आप इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए, चाहे इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, F1 is to F2 का रेशियो पूछा है, तो F1 is to F2 equals to OO dash upon AO, ठीक। OO dash की वैल्यू क्या हो गई, 2.0 और इसकी 2.5, जब डिवाइड करेंगे तो आपको 5:4:5 का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे दो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, तीसरे में न्यूमेरिकल दे दिया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये सफिशिएंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।